नफीसा, जिसे सब लोग एक सीधी साधी अखबार नवीस समझते हैं। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये ग्रुप फोटोज में से काट कर इनलार्ज की गई। तुम जानती हो उसे? मेरा कजन है, मेरी फूफो का बेटा है। अभी अभी खबर मिली है कि एक अजनबी शख्स जीने बीबी की कब्र पर फूल डालकर सरदार पैलेस की तरफ गया। चंद रोज बाद जीनिया का फोन आया, कहने लगी कि अगली मर्तबा आऊंगा तो एक सरप्राइज देगी। कौन है वो? वो हमारे दोस्त है, अहमद जमाल चांडियो साहब। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। प्लीज बैठिए बैठिए। आ गए आप लोग? जरा घुड़सवारी का दिल चाहा तो निकल गए तुम। चलो ठीक है, लेकिन बताकर तो जाना चाहिए था ना। कुछ ख्वाहिशात भी तो बगैर बताए घेर लेती हैं। ओ, तो आप अपनी ख्वाहिश की गुलामी कर रहे थे? नहीं, हमें खुश करने के लिए इन्होंने साथ दिया हमारा। वही इन्होंने हमारी जवानी को चैलेंज किया था और यही हमारी गलती थी। इसमें कोई शक नहीं है कि आप वैसे जवान नहीं रहे, लेकिन घुड़सवारी एक हुनर भी तो है। और आपके ये सरदार साहब भाई बला के शाह सवार है। आज ही का वाक्य सुन लीजिए। क्यों, क्या हुआ? अब छोड़ो भी यार। नहीं यार, जब है ही सुनाने लायक तो सुनाने दो ना। तो हुआ यूं कि मैं और सरदार साहब राइडिंग करते हुए साथ साथ आ रहे थे। मैं क्या देखता हूं कि सरदार साहब बेपरवाह होकर बैठे हैं, ऐसे जैसे घोड़ा खुद ब खुद चल रहा हो। सही, आप बेपरवाह तो नहीं कह सकते आप। चलिए पूरे एतमाद कह लीजिए, मगर बेनियाजी का उंसुर तो था उसमें। अच्छा, आप बताएं तो सही, फिर क्या हुआ? हाँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि सरदार साहब बेध्यान बैठे। तो मैंने क्या किया कि अपना हाथ बढ़ाया और उनके घोड़े की लगाम उचक ली। फिर क्या, लगाम मेरे हाथ में ऐसे के खींचू तो घोड़ा ही गिरा दू। मगर वाह सरदार साहब, एक ही लम्हे में झुक कर इन्होंने घोड़े को अयाल से पकड़ लिया। ये अयाल क्या होता है? घोड़े की गर्दन पर जो लंबे बाल होते हैं उसे अयाल कहते हैं। नफीसा, अलिफ से, ऐन से नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, तो सरदार साहब ने घोड़े को अयाल से पकड़ा और मेरे हाथ से झटके से लगाम खींच ली और फिर ये जा वो जा मैं देखता ही रह गया। जरूर आपकी पुरानी कहानी सुना रहे हैं भाई। नई हो या पुरानी, है तो आज की। कहते हैं कि कहानियों में भी बहुत निशानियां छुपी होती हैं। मगर सरदार साहब, यहाँ के लोग कुछ खास इज्जत नहीं करते जागीरदारों की। करते हैं साईं, उनका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है, आपके मैदानों के लोगों की तरह शायद ना हो। ओफो, आप लोगों की गुफ्तगू शुरू हो गई। अच्छा बाद में कर लीजिएगा प्लीज, मैंने खाना लगवा दिया है। आइए। नफीसा जी, मैं चलता हूँ, तुम तैयार होके आ जाना। हम्म, अच्छा जी, बस एक मिनट में आ रही हूँ। भाई मेरा तो आज पक्का प्रोग्राम है ओल्ड बॉय के साथ शिकार खेलने का। क्या फायदा चिड़िया मारने का, अगर कुछ नुकसान हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कैसा नुकसान, क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि अगर कहीं घोड़े से गिर विर गए तो। ये अजीब कही, 5 साल की उम्र से राइडिंग कर रहा हूं, आबाओ अजदाद शहसवार थे तुम्हें पता ही नहीं। लो वो आए गए, आओ। और वो अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। उम्मीद है कि जिक्र खैर ही हो रहा था। हाँ खैर ही है, और क्या हो सकता है। चाय का क्या प्रोग्राम? आ रही है सरदार साहब। और चांडियो साहब कहाँ? वो तो सुबह ही चले गए। चले गए बगैर बताए? नहीं,
बता कर गए, कह रहे थे 2-4 दिन में आ जाएंगे। और सामान साथ ले गए क्या? नहीं जी, सामान तो यहीं छोड़ गए। अच्छा, तुमने मेरे मशवरे पे कुछ अमल किया कि नहीं? जी, वो क्या? यही कि 2-4 डिजाइनर्स को बुलवा लेना और ड्रेसेस बनवा लेना। जी, प्रोग्राम तो है अगले कुछ दिनों में। यानी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? लगता है तुम्हें बड़ी जल्दी है किसी बड़ी पार्टी अटेंड करने की। जाहिर सी बात है, 1.5 साल हो गया है और यहाँ कोई पार्टी थ्रो ही नहीं हुई, लोग इंतजार कर रहे हैं। यार, औरतों को तो बस बहाना ही चाहिए होता है ही हा हा हू करने का। ये सिर्फ बहाना नहीं है बल्कि आप जैसे मर्दों को घर में संभाले रखने का एक मौका भी होता है। क्यों, क्या हो गया एहसान भाई को? इन्हें तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन तुम्हारा भांजा जरूर बदतमीज हो गया है। भाई आफ्ताब, मैंने तो प्रोग्राम बनाया है कि आज हम शिकार खेलेंगे। बिल्कुल बना लेते हैं एहसान भाई, इसमें ऐसी क्या बात? अगर हमारी बेगम भी हमारे साथ चले तो हम बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल नहीं ओल्ड बॉय, तुम उसे घर से बाहर बिल्कुल नहीं लेके जाओगे, बल्कि इस पर घर की रौनक दोबारा बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपो। इसे बताओ कि पार्टीज कैसे थ्रो की जाती हैं, कैसे अटेंड की जाती हैं, लोगों से कैसे मिलना जुलना होता है, ये सब बातें इसे समझाओ। मेरा ख्याल है कि जो आप लोगों के प्लान्स हैं ना, आप लोग उनको डिस्कस करें। नफीसा को मैं खुद ही समझा लेती हूँ, ठीक है? चलो नफीसा मेरे साथ आ जाओ। चलो ओल्ड बॉय, चले शिकार खेल। ओह यार, ये तो तुम्हारे ये कारोबारी मामला भी खत्म नहीं होता। ठीक है, तुम फोन अटेंड करो, मैं लॉन में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल एहसान भाई, आई एम रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम। जी डीएसपी साहब, कैसे मिजाज? आई एम फाइन सर, आप सुनाइए आप कैसे हैं? कहिए, अब मेरे खिलाफ तो कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। शिकायत क्या मतलब सर? आप उसी दिन खुद ही फरमा रहे थे कि आपके देहाती मेरी बातों से परेशान। अच्छा अच्छा, वो नहीं, बाद में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तुमने हटा लिए थे वो लोग वहां से? जी हाँ, फौरी तौर पे उसी दिन सर। अच्छा किया, आइंदा अगर कुछ पूछना हो तो बिला झिझक मुझसे खुद पूछ लिया करो। सरदार साहब, अब शायद कुछ पूछने की जरूरत ना रहे। क्यों, क्या बात आ गया? हमने उन लोगों को तलाश कर लिया। किन लोगों को? वही लोग जो आपके आबाई कब्रिस्तान से गुजरा करते थे, और दौरान तफ्तीश उन्होंने इतराफ किया है कि वो अक्सर आपकी मरहूमा बीवी की कब्र पर फातिहा खानी के लिए आया करते थे। हमने उन लोगों को तलाश कर लिया। किन लोगों को? वही लोग जो आपके आबाई कब्रिस्तान से गुजरा करते थे, और दौरान तफ्तीश उन्होंने इतराफ किया है कि वो अक्सर आपकी मरहूमा बीवी की कब्र पर फातिहा खानी के लिए आया करते थे। क्यों करते हैं वो ऐसा? अभी तो खैर बहानेबाजी कर रहे हैं। क्या मतलब? कहते हैं वहां से गुजरते थे तो फातिहा भी पढ़ लिया करते थे, लेकिन इसकी कोई खास वजह नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? सरदार साहब, हम पुलिस के लोग हैं, हमारी सूंघने की हिस बहुत तेज होती है। मगर यहाँ क्या सूंघ सकते हो तुम? सरदार साहब, कहानी तो कुछ छुपी हुई है, लेकिन उसकी तह में कोई बड़ा जुर्म है या नहीं अभी कुछ कह नहीं सकता। तो क्या गिरफ्तार किया तुमने लोगों को? जी नहीं सरदार साहब, इसकी अभी तक मेरे पास कोई खास वजह नहीं है। और वो लोग बार बार वहां क्यों जाते हैं, यही मेरी तश्वीश की बुनियाद है और शायद तफ्तीश की भी हो। ठीक है, तुम अपनी तहकीकात जारी रखो,
और अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बता। ओके सर, वेरी राइट। मैडम बता रही थी कि आप और ज़ीनिया एक साथ पढ़ते थे। हाँ, ठीक कहा था उन्होंने। अब एक ही क्लास में? नहीं, एक ही यूनिवर्सिटी में थे। ज़ीनिया मुझसे 2 साल जूनियर थी। इसका मतलब है कि आप दोनों इकट्ठे घूमने फिरने भी जाया करते थे? हाँ, घूमते फिरते भी थे। और हेलो, प्लीज प्लीज बैठे। आखिर तुम्हें हमारा ख्याल आ ही गया। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको भुला सकता हूँ? वो एक्चुअली एक फ़ोन आ गया था, और तुम्हें पता है कि लोग बात से बात निकालते इतनी लंबी बात कर देते हैं कि बस ख़त्म ही नहीं होती। खैर, कैसी हैं आप? बस जिंदगी के दिन काट रही हूँ। जिंदगी काट रही है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने दिन आए क्यों नहीं? सच पूछिए तो आना भी नहीं चाहता था। पता नहीं लोग ऐसे सदमे बर्दाश्त कैसे करते हैं। हाँ, करना पड़ता है, जबर करके भी करना ही पड़ता है। मैं भी तो खुद पर जबर ही कर रहा हूं, मगर अब और नहीं होता। लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है। बहुत दिनों से एक सवाल था जो मुझे तंग कर रहा है। सच पूछें तो इसीलिए आया हूं यहां। कैसा सवाल? ज़ीनिया ने मरने से चंद रोज पहले मुझे फोन किया था। कोई खास बात थी? उसने कहा था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मुझे एक सरप्राइज देगी, एक खुशगवार सरप्राइज। बस यही था उसका एक जुमला, मरने से पहले उसका आखिरी जुमला। इसकी बाज गश्त मुझे कहीं चैन से बैठने नहीं देती, और इसीलिए यहां भी आया। क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या हो सकता है? इस बारे में अभी तक कुछ जान नहीं पाया, मगर एक एहसास है जो रह रह कर अंदर जागता है कि ये कोई खास इशारा था। क्या तुम इसीलिए सरदार पैलेस गए थे? जी बिल्कुल इसीलिए, मगर अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। मिसेस मलिक भी लाइल में है। मिसेस मलिक भी नहीं जानती? नहीं। खैर, एक बात बताई थी मुझे रिजवान बेग ने जायदाद के बारे में। जी हाँ, वो कह रहा था कि ज़ीनिया के नाम जो कुछ भी था वो सरदार आफताब ने अभी तक आपको लिख कर नहीं दिया। हाँ, लेकिन वो सब कुछ हमारे कब्जे में है अब तक, और उसने कोई दखल अंदाजी भी उसमें नहीं की। हाँ, लेकिन लिख कर नहीं दिया उसने। तो क्या आपने कहा था उसको लिख कर देने के लिए? नहीं, क्योंकि ज़ीनिया को दफनाने के बाद मेरी तो उससे कभी बात ही नहीं हुई। तो क्या मैं बात करूं उससे? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे कहने पे वो कर देगा? मेरे ख्याल से उसे कोई एतराज तो नहीं होगा। लालची आदमी नहीं है। अगर कर दे तो बहुत अच्छा है, दिल को एक खटका सा लगा रहता है। ये तो खत्म हो। और जो ही ये सब आपके नाम हो जाए, कत्ल का केस रीओपन करवा दें। हाँ, उसे रखेंगे कहाँ? कत्ल की पुश्त पनाही में। वैसे बात क्या है सरदार साहब? सब तरह आदम पे नजर रखे हुए, तुम भी अपने तौर पे कोशिश करो मालूमात हासिल करने की। ठीक है।
थैंक यू सर। इडली साहब चले गए इतनी जल्दी, मैंने तो चाय का कह दिया। हाँ फिलहाल कोई काम नहीं था इसलिए चला गया। मेरे पास आपके लिए खबर है। किस अखबार में? अखबार में नहीं, मेरी अपनी है। हमारी उस वार्निंग के जवाब में जो हमने उन अखबारों को दी थी जिन्होंने आपके वो स्कैंडल्स शाया किए थे। अच्छा और क्या है वो? उन्होंने हमारे लॉयर से रابطہ किया है, वो मान गए हैं तर्दीद शाय करने के लिए भी और डैमेजेस अदा करने के लिए भी। चलो अच्छा है, ये मामला यहीं ख़त्म हो जाएगा। जी लेकिन उनकी एक शर्त भी है। हो गया शरारत का सिलसिला शुरू। मैंने तुम्हें कहा भी था रहने दो दफा करो, लेकिन सुनिए तो लफ्ज शर्त तो उन्होंने महज अपनी इज्जत की खातिर इस्तेमाल किया है, असल में तो वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और क्या है वो? आपका इंटरव्यू जर्नलिस्ट के एक पैनल को। यानी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हजूम? नहीं बस चार पांच लोग होंगे। लेकिन मैं कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा। और जो मुझे ऑफर की थी शादी के वक्त? तुम्हारी बात और है, तुम चाहो तो अभी ले लो इंटरव्यू। देखिए सादा सीधा शर्त है उनकी, वो तर्दीद शाया करने को भी तैयार है, लॉयर्स की फीस भी दे रहे हैं, डैमेजेस भी पे कर रहे हैं और आपके स्कूल्स को डोनेशन भी दे रहे हैं, प्लीज मान जाइए ना। खैर ये सब गैर जरूरी बातें, लेकिन तुम वहां मेरे साथ रहना। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे अखबारों वाले अक्सर अल्फाज के ऐसा चक्कर देते हैं कि इंसान सटपटा के रह जाता है। आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ रहूंगी। एंड थैंक यू। अगर तुम्हें हमसे प्यार हो जाए, जिंदगी सांस खार हो जाए, फूल महके तुम्हारी आंखों के, दिल की दुनिया बहार हो जाए, मेरी सांसों में वो तेरी खुशबू जिस पे खुशबू निसार हो जाए, ऐसे हाथों में आए दिल के हाथ, ऐसे हाथों में आए दिल के हाथ, मौज दरिया के पार हो जाए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सादगी है, नवाजिश, क्या पुरकारी है, कसम अल्लाह पाक की मर मिटने को जी चाहता है। मैं क्या और मेरी औकात क्या, बस सदा साहब के इश्क ने कुछ गुफ्तगू का सलीका सिखा दिया। क्या बात है। वैसे बाय द वे आप मोहब्बत दे रही हैं या मोहब्बत ले रही हैं? एक ही तो बात है हजूर, मोहब्बत पाने के लिए भी तो मोहब्बत देना जरूरी है, जो प्यार दे नहीं सकता वो प्यार पा नहीं सकता। क्या बात है क्या बात है, जबरदस्त, हकीकतों की हकीकत है ये बात। चलिए सरदार साहब, अब और ताब नहीं है हम में इस हुस्न व इश्क की महफिल की। अभी रुकिए, मुझे कुछ देर और रुकना है। वाह सरदार साहब, वैसे आपका भी जवाब नहीं, आप कुछ बात तो करते नहीं हैं बस। मैं सुनता हूं और सुनकर खुश रहता हूं, तो क्या जरूरत है मुझे बोलने की। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हुई ना मार्फत की बातें। फसाना भाई तुम तो बहुत खुशनसीब हो,
हमारे जमाने में तो ऐसे सोच के लोग न जाने कहां बसते थे। अरे रुमाना जान, फिक्र का है कि हम है ना। चलिए फसाना जान, अब कुछ कहा के सुनाइए, छेड़िए कुछ बरबते इश्क के तार। अगर सरदार साहब और सुन के खुश हो सकते हैं तो हमें और किसे खुश करना है। जरूर सरकार। चमेली जी, बाजी जाओ उस्ताद जी को बुला कर लाओ। अच्छा बाजी। ओए तो बताया आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप। हेलो हेलो बेटा, मैं रजिया फूफो बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फूफो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों, क्या हुआ? सुबह से बेटा दो बार दीवारों से सर टकराने की कोशिश की है, बड़ी मुश्किल से संभाला है। आबिद घर पे है? हाँ है, अगर वो ना होता बेटा तो मेरे बस की बात नहीं थी उन्हें काबू करना। अच्छा फूफो, मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन करती हूँ, और अगर हो सका तो मैं खुद भी आ जाऊंगी। जो भी मेरी बात हुई ना डॉक्टर साहब से, तो वो मैं आपको अभी वापस बताती हूँ। ओके, मैं कर रही हूँ आपको। अच्छा बेटा। हाँ, हेलो, आप कहाँ हैं? मैं यहीं स्टेट पे हूँ, क्यों खैरियत? वो फूफो का फोन आया था, वो कह रही कि अचानक अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, मैं अभी जाना चाह रही थी। अभी तो मुश्किल हो जाएगा नफीसा, वो ओल्ड गर्ल आ रही है एहसान भाई के साथ। क्यों, अभी कुछ रोज पहले तो वो लोग आए थे यहाँ। हाँ जानता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में कोई मसला है। तुम ऐसा करो कि वो लोग आके चले जाएं तो फिर बेशक चले जाएं। जी ठीक है, आपको कितना टाइम लग जाएगा घर आने में? मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा। जी ओके, अल्लाह हाफिज। देखें अगर तो उसे किसी तवायफ ने फांस लिया है सिर्फ अपनी दुकानदारी की वजह से तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर बुनियाद उसकी बीवी की लापरवाही और बेएतनाई है और वो भागकर तवायफों के पास पनाह ले रहा है, फिर तो आपको एक से बढ़कर एक तवायफ से वास्ता पड़ेगा। कोई तरीका बताओ ओल्ड बॉय, मुझसे अपनी भांजी की हालत देखी नहीं जाती। अगर रुपए पैसे से ये मसला हल होता है तो जितनी भी जरूरत हो खर्च करना पड़े मैं खर्च करने के लिए तैयार हूं। ऐसे क्या कह सकते हैं, बेहतर होगा कि आप जमीना को एक बार बिठाकर आराम से उससे बात कीजिए, वो सही हालात बताए तो कोई रास्ता निकले। एहसान भाई की भांजी है वो? हाँ। तो जाहिर है कि नाजो नेम में पली होगी, बाप की बहुत जमीनें होंगी। जमीनों जायदादों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो फिर थोड़ा फखर भी होगा इस बात का, शायद गुरूर की हद तक। नहीं, वो तो हमारे बच्चों में होता है कुछ ना कुछ। बच्चों में हो तो ज्यादा बुरा नहीं, लेकिन बच्चियों में नहीं होना चाहिए। यानी बड़े बाप की बेटी होना? बड़े बाप की बेटी होना नहीं, लेकिन बड़े बाप की बेटी होने का घमंड होना। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है।
जी ऐसी ही बात है। वो तो शुरू दिन से यही सोचती है कि अगर इमरान एक जागीरदार का बेटा है तो खुद उसका बाप भी एक बहुत बड़ा जागीरदार है। और मेरे ख्याल में प्रॉब्लम की बुनियाद भी यहीं कहीं है। बाद में उसने क्या शक्ल इख्तियार कर ली ये दूसरी बात है। ओल्ड बॉय यार बताओ अब क्या किया जाए। सबसे पहले तो आप इमरान से बात कीजिए और वो भी उसके किसी करीबी दोस्त के जरिए, जहां ये गुमान ना हो कि इस कुरेद के पीछे आपका हाथ है। उसके बाद ही कुछ देखा जा सकता है कि कुछ हो सकता है या नहीं। फूफो, डॉक्टर का कहना है कि आमतौर पे ऐसा तब होता है जब मरीज का दिमाग बेहतरी की तरफ सफ़र कर रहा हो। सफ़र बेहतरी की तरफ और हालत इतनी ख़राब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। फूफो आप नहीं जानते, इंसान का दिमाग बहुत बड़ी मशीन है। आजकल के कंप्यूटर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मान लिया, लेकिन डॉक्टर तो इस मशीन को ठीक कर रहा है ना। क्या ठीक होते वक्त इतनी तकलीफ होती है? डॉक्टर का कहना है कि मरीज के दिमाग का वो हिस्सा जो कुछ हद तक सो चुका था, जागता है तो कई तल्ख वाकयात याद आते हैं जिन्हें वो फौरन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा होता है। तो अब होगा क्या? आप किसी ऐसे वाक्य के बारे में जानती हैं जो इन्हें परेशान कर रहा हो? मैंने तुझे पहले भी बताया था, मुझे कुछ इल्म नहीं। पता होता तो अच्छा था, हम इनकी मदद कर सकते थे। अब तो सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, मज़ीद इंतज़ार। ऐसे अजीब अजीब से जज्बे छुप कर बैठे होते हैं इंसान के दिलो दिमाग में और फिर वो अचानक हमला कर देते हैं, जैसे तैयबा के साथ हुआ। वैसे मुझे तो इस सारे मामले में कोई हैरत नहीं हुई। तो यार तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई तैयबा के रवैये से? आपने खुद ही तो सिखाया है कि हर वक्त हर नई परेशानी के लिए तैयार हो, तो वो परेशानी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओहो, मैं खुद भूल गया था जिंदगी से हासिल किया हुआ अपना हसूल। बूढ़ा हो गया मैं शायद इसीलिए। नहीं, मुझे लगता है कि आपके असूल आपकी जिंदगी में इतने रच बस गए हैं कि रोजमर्रा बन गए। नफीसा, अगर मैं तैयबा को बुलाऊं तो क्या तुमसे कैसे हुई कि तुमने उसे माफ कर दिया?
आपका हुक्म है सर आंखों पर। हाँ तो ये बा जरा इधर मेरी तरफ आ। हाँ अपने सरदार आफताब अली खान की सुनाओ। पैनल टूर की तैयारी कर रहे हैं ना? वो कहाँ किसी काम की तैयारी करते हैं, जो करना होता है बस कर जाते हैं। नहीं ये तो इंटरव्यू का मामला है ना। और हाँ याद आया, वो तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना जो सरदार साहब ने तुमसे वादा किया था? खटाई में पड़ गया, उनसे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। आओ फीसा। तुम्हारी बड़ी मुश्किल तो हल हो गई है मेरे ख्याल में। भाई नफीसा कहती है कि उसका दिल बिल्कुल साफ है तुम्हारी तरफ से, और ये तो जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा तो होता ही रहता है। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? तैयबा अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ऐसा कोई काम किया है जिसपे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए तो हाँ मैंने तुम्हें माफ किया। बहुत शुक्रिया नफीसा, दिमाग से एक पोच उतर गया, थैंक यू। सर आपका काम तो हो गया, मुझे इजाजत। हाँ हाँ लेकिन जब भी आया करो मिल के जाया करो। जी सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजीब टास्क दिया आपने मुझे। क्यों क्या हुआ? नए नए इंकशाफ हो रहे हैं उन जागीरदारों के बारे में। जागीरदारों? दूसरा जागीरदार कौन है? सीनिया का वालिद सर, वो भी एक जागीरदार था। अच्छा। और फिर सर जीनिया खान और सरदार आफताब खान दोनों फर्स्ट कजन है सर। हैरत की बात है, किसी को खबर ही नहीं थी। और कुछ? और भी मिलेगा सर, मुझे उम्मीद है वहां कहानी नहीं बहुत सी कहानियां मिलेंगी। हाँ मगर तुम तो नफीसा से माफी मांग चुकी हो। नफीसा से माफी हसद और जलन की मांगी है सर, और ये काम तो आपने मुझे सौंपा है। Keep it up. सही, आप जीनिया की वालिदा से मिलने गए और हमारा सलाम तक ना ले गए। अरे नहीं, दरअसल ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताने ही वाला था मगर आपने मुझे पहले ही घेर लिया। तो बताइए क्या बताने की जरूरत पेश आ गई आपको इस जन्म में? पहला तो ये कि मैं गया कहीं और था, सो लगे हाथ उनसे भी मिलता है, और दूसरा एक मसला और भी है जिस पे आपसे गुफ्तगू की जरूरत है। पहले तो ये बताइए साईं के कहीं और कहाँ गए थे आप? बस हैं कोई मिलने वाले। तो क्या मसला उठा लाए आप वहां से? वो जो कुछ भी जीनिया के नाम है, मेरा मतलब है जमीन जायदाद, क्या वो सब आप अपने नाम करवाना चाहते हैं? नहीं तो जीनिया की जायदाद से हमारा क्या लेना देना? मगर साईं ये सवाल ही क्यों उठा फिर? मैं जानता था आप ऐसे लालची हो ही नहीं सकते। जीनिया खान के नाम जो जायदाद है वो तो पहले ही उनके पास है साईं, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं। तो फिर आखिर मसला क्या? जो कुछ भी जीनिया के नाम था उसके मरने के बाद कानूनन उस सब पर आपका हक है,
मगर जो आप लिख कर दे दें तो ये सब उसकी माँ के नाम भी हो सकता है। तो लिख देंगे साईं, इसमें ऐसी क्या कबाहत है? और हुक्म कीजिए। सरदार आफताब, मुझे आपसे यही उम्मीद। तुम इतने मगरूर हो गए हो कि मेरा फोन सुनना भी गवारा नहीं कर रहे। नहीं, मैं मोहतात हो गया हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जेलसी के चक्कर में मेरी सादा सी जिंदगी खराब हो। मैं नफीसा से माफी मांग चुकी हूँ और उसने मुझे माफ भी कर दिया है। जानता हूँ मैं। तो फिर बात तो खत्म हो गई ना, अब क्या है? माफी मांगने के बाद भी तुम्हारा रास्ता तो वही है। वही कैसे हुआ? देखो, इंसान वो नहीं होता जो अपने बारे में बताता है, बल्कि इंसान की पहचान होता है उसका अमल, और वो करता क्या है वही उसका किरदार। मैं क्या कर रही हूँ? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रही हो, और इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरा काम करने। ओके। गाना क्यों बंद कर दिया? कौन सा गाना बीबी साहब? जो अभी चल रहा था। मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी बीबी साहब। हैरत की बात है, अभी तो आवाज आ रही थी। आपका वहम होगा बीबी साहब। बीबी साहब, शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं। कहीं आपके सर में फिर से तो दर्द नहीं हो रहा? नहीं मिसेस मलिक, मेरे सर में कोई दर्द नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप जाइए, अपना काम कीजिए। जो हुक्म बीबी साहब। आपका मतलब है कि सीनिया बीबी की वालदा भी कुछ नहीं जानती कि क्या सरप्राइज था? नहीं, उन्हें भी कुछ नहीं पता। अजीब बात है। अजीब बात तो यह है कि उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हें जिससे वो कोई बात छुपाती ही नहीं थी। छुपाने के बारे में तो मैं ज्यादा वसूख से कुछ नहीं कह सकती।
क्या मतलब? आप तो जानते ही हैं, ज़ीनिया बीबी मुझसे बहुत बेतकल्लुफ थी। कभी कभार तो इतनी खुली गुफ्तगू करती थी कि शायद मियाँ बीवी भी ना करते हैं। लेकिन कभी कभी लेकिन कभी कभी क्या? कभी कभी बात करते करते रुक जाती हूँ और फिर बात का रुख यूं मोड़ देती कि साफ जाहिर होता कुछ छुपा रही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वैसे भी सरदार आफ्ताब आजकल हर चीज को शक की नजर से देख रहा है। जी ठीक है साईं। हेलो, हाँ मैं अहमद जमाल चांडियो बोल रहा। हाँ सरदार आफ्ताब से बात हो गई है मेरी, वो लिख कर देने को तैयार। भाई जब भी ज़ीनिया की वालदा कहेगी वो लिख कर दे देगा और मसला हल हो जाएगा। हाँ बाकी बातें मुलाकात पर होंगी। हाँ वहीं। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुबारक हो, सरदार आफ्ताब अली खान ने हामी भर ली है कि वो ज़ीनिया खान की जायदाद बहुत जल्द मेरी खाला के नाम कर देगा। तो फिर तुम्हारे नाम कैसे होगी वो बताओ। अरे भाई मैं अपनी खाला का वाहिद वारिस हूँ, जब खाला नहीं रहेगी तो ये सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। तो अब हम तुम्हारी खाला के मरने का इंतजार करेंगे? अरे नहीं भाई, खाला के मरने का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि खाला के मरने का इंतजाम करेंगे। क्या मतलब? इस शहर में रोजाना कितने धमाके शमाके होते हैं, बस वैसे ही एक छोटा सा धमाका मेरी खाला की गाड़ी में होगा और उसके बाद सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। और उस धमाके का इंतजाम करोगे तुम? मैं क्या इंतजाम करूंगा? डोंट वरी, वो मैं तुम्हें बताऊंगा।